फ्रेंड्स, मेरे चैनल आदि मैटिचे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ज़मीन नापने की एक जो मात्रा होती है, इकाई होती है, लाठा। ठीक, यानी कि लाठा जो कि एक लकड़ी के बराबर होती है, जो कि उसकी लंबाई कितनी होती है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि जो लाठा है ये अक्सर के गांव देहात में इसका नापने के लिए, ज़मीन को नापने के लिए, घर का जो ज़मीन है नापने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो एक लाठा की जो लंबाई है वो कितने फीट के बराबर होती है। तो चलिए ये जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों ध्यान से कि कितना एक लाठा की लंबाई होती है फीट में। तो एक लाठा को दोस्तों आप समझिए कि एक लाठा जैसे कि एक लकड़ी की बहुत लंबी होती है, इस तरीके से होती है। तो इसकी लंबाई फीट में ना जानेंगे कितना होता है। देखिए दोस्तों, एक लाठा को गट्ठा भी बोला जाता है। कितना? गट्ठा भी बोला जाता है भाषा में। तो एक लाठा की जो लंबाई होती है 99 इंच के बराबर होती है। तो यहाँ पर समझिए, एक लाठा की लंबाई 99 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पर हम 99 इंच तो नापेंगे बहुत समय लगेगा। तो लाठा की लंबाई फीट में जानते हैं कितना होगा। तो एक लाठा बराबर 99 इंच। अब इंच को क्या करेंगे हम, फीट में बदलेंगे। तो देखो, फीट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं। एक फीट बराबर 12 इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें जो इंच है इसको फीट में बदलने के लिए इस 12 से भाग देना होगा। तो जब 12 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा हमारा फीट में बदल जाएगा। जब इसमें भाग देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 8 96, फिर बचेगा यहाँ पर कितना, 3, फिर 0.30 हो जाएगा। तो 12 2 24 24, फिर हमारा बचेगा कितने, 6 60 हो जाएगा, 12 5 60, यानी 8.25 फीट आएगी। तो एक लाठा की लंबाई 8.25 फीट के बराबर होती है। लेकिन इससे हम क्या समझते हैं, 8 फीट तो समझ जाएंगे, लेकिन 0.25 मतलब कितना, तो इसको भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक लाठा बराबर 8 फुट, उसके बाद जो 0.25 बच रही है, 0.25 ये फीट में है। तो इसको क्या करेंगे हम, इंच में बदलेंगे। तो इंच में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा किया जाएगा। तो हमारा जो ये फीट है इंच में बदल जाएगा। तो 12 5 60 के 0 हासिल होगा 6, 12 2 24 6 30, और 2 0 है, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी 3 इंच। कितना आ जाएगा, 3 इंच। तो यानी कि एक लाठा की जो लंबाई है कितना हो गया, 8 फुट 3 इंच के बराबर हो गया। कितना, 8 फुट 3 इंच के बराबर। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे या फिर हमें कहीं अपन ज़मीन नापना हो तो उसको लाठा की जो लंबाई होगी 8 फुट 3 इंच के बराबर होगी। तो किस तरीके से हमने निकाला, इस तरीके से इसको निकाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, तो कमेंट में कीजिए, मैं आपके सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।